सोचिए इतने लोग लग रहे हैं तो प्रतिमा कितनी भारी होगी, इसको अंदर भी ले जाना एक टास्क है। बाकी जय बजरंग बली, देखिए जय नया टास्क है, क्योंकि जो बजरंग बली की प्रतिमा है वो 8 फुट की है और ये जो गेट है इसमें अब ले जाना ही वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी भवन में इस समय हम लोग फिलहाल सुबह सुबह हैं और चलिए देखिए यहाँ पर कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए दिल्ली से गाड़ी आई है, उतर रही है, सब लोग लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। मैं आपका आदर्श सिंह और हम स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मऊ वाले भैया के पेज पर। बाकी भैया इस साल हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, पिछली बार आपने इनको बहुत प्यार दिया था यहाँ पंडाल पर भी और एक ही दिन में 4000 वीडियो व्यू भी गया था। हालांकि पिछले साल का जो पंडाल था जब लोग अंदर घुस रहे थे तो मतलब चारों तरफ इतना ध्यान चारों तरफ था कि वो समझ नहीं पाते ये पंडाल मऊ का है और इसका चर्चा पूरे पूर्वांचल में रही है। फिर से हम लोग इस साल हिंदी भवन में आ चुके हैं और इस साल यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं थीम जो है काफ़ी खूबसूरत है और ये मऊ में हर साल कुछ ना कुछ अलग ही हो रहा है और इससे मऊ की जो गरिमा है वो बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि अभी मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है मऊ वाले भैया पे, तो लोग मुझसे लगता है 1 महीने पहले से ही पूछने लगते हैं कि हिंदी भवन में क्या अपडेट होने वाला है और क्या बनने वाला है। साथ में भैया भी हैं, भैया आज अपडेट देंगे क्या कैसे है, क्या क्या कैसे है, किस दिन क्या मूर्ति क्या खुलेगी। तो फिलहाल आप लोग का थीम क्या है? हम लोग का थीम पर्यावरण पे है, पर्यावरण संरक्षण। इतनी धूप लग रही है, धूप के बचने के लिए खुले में कहाँ जाएंगे, अभी पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के किनारे तो देखिए यहाँ पे छाँव हाजी। आपको हमारी इच्छा खुद छाँव में होने की आ रही है लेकिन पेड़ नहीं होने के कारण पेड़ की धूप की और गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है। 11 महीने गर्मी, मात्र 1 महीने ठंड पड़ रही है, वो भी पता नहीं चलता कब ठंडी चली जाती है। तो इस कारण प्रकृति के जो संरक्षण के लिए हम लोग इंस्पायर करेंगे कि पर्यावरण को संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधे लगाया जाए और हम खुद इंस्पायर होंगे। हम लोग खुद अपना जो है हर घर को मोटिवेट करेंगे, अपने घर भी लगवाएंगे, जहाँ भी पेड़ पौधे हैं जहाँ लग सकते हैं वहाँ लगवाया जाए। और जो भी इस पर्यावरण संरक्षण पर जो भी संस्था काम कर रही है हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, उनको अपना यहाँ पे स्वागत, उनको सम्मान करने के लिए कि वो उनसे भी कुछ हम लोग सीख लें कि हमको कैसे और पर्यावरण पे और आगे फोकस करना है। बाकी भैया जो पिछले साल का बजट था आप लोग का 8 लाख का लगभग था, इस साल क्या है कुछ 2+ हो गया? अच्छा, 10 लाख रुपये इस साल का बजट। हालांकि आप देख सकते हैं ये बजरंग बली जो है आप देख सकते हैं काफ़ी रील में आपने देखा भी होगा और ये दिल्ली से बुलाए गए हैं। भैया कितना खर्चा इसमें आया था? लगभग 2.5 लाख रुपये खर्चा आया है और इनके साथ साथ शिव परिवार जो आपको देख रहे हैं कैलाश पर्वत पे जो विराजमान है, कैलाश पर्वत शंकर भगवान जी उनका परिवार है और आगे नंदी जी बैठे हैं सामने से उनके हैं, वहाँ से उनकी जटा से माँ गंगा का उद्गम दिखाया जाएगा और झरने के रूप में नीचे तालाब में उनका उद्गम दिखाया जाएगा। आइए मैं पास से आपको दिखाता हूँ और ये जो रास्ता है आप उस दिन जब एंट्री करेंगे तो इसी रास्ते से इस तरह आएंगे विजयगढ़ में, फिर आगे आएंगे एंट्री करने का रास्ता यही होगा ना? एंट्री करने का रास्ता है, आप शाम को आएंगे लाइटिंग देखेंगे और आपको जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको फील होगा कि मैं पहाड़ों पे हूँ। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं कंकड़ीले पत्थर, जैसे हम लोग केदारनाथ या जैसे भी दरबार पहाड़ी दरबार में जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, आपको फील आएगा कि मैं पहाड़ पे ही हूँ। सच में ऐसा लग भी रहा है, आप चारों तरफ देख सकते हैं काफ़ी काम यहाँ पे किया गया है, क्या व्यवस्था रहेगी भैया यहाँ पे? उस दिन देखिए अभी जंगल का थीम बन रहा है, अभी पेड़ पौधे दिख रहे हैं और भी पेड़ पौधे लगने वाले हैं, इसमें जानवर रहेंगे और सबसे खास बात सजीव दर्शन मान नौ देवियों के दर्शन कराए जाएंगे जो इनकी यहाँ पे उनका आसन बना हुआ है, आप सामने देख सकते हैं उन पर आसनी लगेगी जो बैठ के सजीव दर्शन आशीर्वाद देंगी। जो ये आपने बनाया 1-2 ये लगभग 9 से 10 बना हुआ है 9 देवियों के लिए, बाकी और कोई शिव परिवार हम लोग सजीव दर्शन कराएंगे। और ये भैया मूर्ति की जो आग जो खुलने वाले कब खुलेगी? वो कल शाम को खष्टी को कल हम लोग पट खोले जाएगा, कल से पट मतलब परसों से आप दर्शन कर सकते हैं, कल शाम से ही दर्शन कर सकते हैं, कल से दर्शन चालू जाएगा। भीड़ जो है कि क्या कल शाम से ही लोग कितने लोग आते हैं कि हम दर्शन नहीं कर पाते हैं तो जो है कि देख लें क्या होगा। हालांकि आप देख सकते हैं दृश्य यहाँ का काफ़ी खूबसूरत है, फिलहाल ये पहाड़ देखिए आप यहाँ, अगर सच में अगर आप यहाँ पे होते तो आपको लगता कि सच में आप किसी पहाड़ पर दर्शन कर रहे हैं। बाकी अंदर आइए मैं दिखाता हूँ आपको, बाकी एक चीज़ मैं और बता दूँ भैया लोग, मैं अपने और से बता रहा हूँ, भैया लोग 5 महीने से लग जाते हैं इस काम के लिए,
सबको लगता है कि ये 4 से 5 दिन में रहते नहीं, और हम लोग के लिए बहुत एक चैलेंज पूर्ण रहता है कि और यूनिक अगले साल क्या, नेक्स्ट ईयर क्या किया जाए। हम लोग बहुत से भी खोजते हैं कि अरे हिंदी भवन इस बार क्या है, हिंदी भवन में इस बार क्या है, लेकिन हम लोग भी खोजने में कुछ यूनिक किया जाए। देवरिया ये बलिया आपसे बीमार उमर से बहुत दूर दूर से लोग पूछने लगते हैं कि साल थीम क्या है। बाकी हम लोग आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप एंट्री करेंगे जब, क्योंकि आप वहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना होगा। ये आपका पुल बना हुआ है, पुल बना हुआ है, आपका तालाब बन रहा है, इसमें अपने बत्तख मछलियाँ और यहाँ फुआरा भी बनेगा, अभी काम चल रहा है आपका, जो आज शाम तक रेडी हो जाएगा। और ये सीढ़ी बन रही है वही मजबूत सीढ़ी बन रही है कि एकदम कोई उसमें एकदम बेफिक्र होकर आइए जाइए, और यहाँ चढ़ना है और पुल से आपको उतरना है, उतरना होगा और माता का गर्भ में दर्शन। बाकी यहाँ से पानी का ये आपका, हाँ ये झरना है आपका, आवाज़ करता हुआ जो आवाज़ करता है झरना, जो आखिरी जलप्रपात हम लोग देखते हैं उस तरह का फील आएगा। बाकी अंदर आइए, मैं आपको और अंदर से दिखाता हूँ, अंदर आइए क्या क्या दृश्य कैसे बनाया गया है। अब जब इसमें घुसेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी जंगल के पहाड़ में घुस रहे हैं। बाकी ये देखिए क्या होता है ना कि जैसे अब ये दुर्गा पूजा खत्म होगा तो अगले, जैसे खत्म होगा फिर से ये लोग अगले साल के लिए काम करने लगेंगे, थीम सोचने लगेंगे अपने दिमाग में, और काफी मेहनत करते हैं, काफी लंबी टीम भी है इसमें, सभी जो टीम लोग हैं उसमें बहुत लंबी टीम है यहाँ पे, लगभग हर मोहल्ले से एक व्यक्ति इसमें जुड़ा है संस्था में। बाकी आप अंदर आ सकते हैं, देख सकते हैं, हालांकि लाइट अभी नहीं है, तो मैं आपको और सुंदर तरीके से दिखाता कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर जब आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी जंगल में, और सच में जैसे पहाड़ों में दर्शन किया जाता है वैसा ही यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदर है, शेर है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मूर्ति भी सबसे सुंदर यहाँ मुझे ऐसी लग रही है, देखिए एकदम कल से जैसा कि घोड़े पे सवार माँ देवी का आप दर्शन करेंगे, और महिषासुरमर्दिनी का भी दर्शन करेंगे, बाकी गणेश का, अतिथि जी का, लक्ष्मी सरस्वती जी का दर्शन पूर्ण रूप से करेंगे। और इसमें फिर इस गर्भगृह में आपको चिड़िया की चहचहाट आपको बहुत मोहित करेगी, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि आप किसी जंगल के पहाड़ में सच में घुसे हुए हैं, जैसे वहाँ पे वातावरण रहता है, चिड़िया वगैरह वगैरह सब बोलती रहती है, वैसा आपको यहाँ पे मिलेगा दिखने को। ताकि अभी आप देख सकते हैं काम बाकी हुआ है, बाकी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कल आइए और दूर दूर से आइए और देखिए यहाँ पे, बाकी बहुत सुंदर दृश्य है मऊ में, और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में ऐसा दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना मेहनत और इसकी पूरी बजट 10 लाख रुपए, पिछले साल 8 लाख रुपए लगा था, जो लोग कह रहे थे नहीं, अरे 8 लाख रुपए नहीं लगा था, जब यहाँ पहुंचे तो कह रहे थे यहाँ 8 लाख से ऊपर भी लग सकता है। कंफ्यूज हो रहे थे कि फूल ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है। बाकी वो जो भैया क्या आया था पिछले साल से, मुंबई से आए थे वो लोग, नासिक ढोल आए थे, गजब का बजा रहे थे, कुछ क्लिप मेरे पास है, मैं इसमें डाल दूंगा आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपने नहीं देखा तो पुराना वीडियो हमारा पिछले साल का पड़ा है, इस बार आपको विसर्जन में जो लंगूर है जो आपको बहुत मोहित करेंगे विसर्जन जुलूस में, और बड़े हनुमान जी आपको दर्शन कराएंगे। जैसे कि क्या होगा जिस दिन, उस दिन जो रथ होगा उस रथ पे बजरंग बली भी आप यहाँ से देख सकते हैं दृश्य, आप देखिए हम सामने देखें बजरंग बली का, आप देख सकते हैं ये दिल्ली से बुला, मतलब शाम को आप देखेंगे तो उनकी जो गदा है वो मूव करेगी, जो आपके उनके लंगूर सामने हैं वो भी मूव करेंगे, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे, आपको बहुत ही मोहित करेंगे। बाकी अपडेट आपको मिलता रहेगा, वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, आगे जुड़े रहेगा हमारे वीडियो में, धन्यवाद।